यूपी के इटावा में अस्पताल प्रशासन के फेरबदल ने हड़कंप मचा दिया है। मामला इटावा जिला अस्पताल का है, जहां पहले एक युवती का बच्चा बदल दिया गया और फिर उसे दूसरी बच्ची थमा दी गई। परिवार वालों ने नर्स पर मुंह मांगे पैसे न मिलने के चलते बच्चा बदल देने का आरोप लगाया है। वही सीएमओ ने एक कमेटी गठित कर नवजात के परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ने कहा कि आपके लड़का हुआ नरारा काट दिया, फिर भी नर कहा कि लड़का हुआ। हमने उसको बात को फिर दोबारा से फिर रिपीट किया, तब भी उसने बोला कि लड़का ही है, हर चीज में लड़का। और फिर हमने देखा दूसरा बच्चा है, तो एक ट्रे में उनने ऐसा ऐसा कर दिया, गड़बड़ बदल दिया था। हाँ, मैं अपने सोर्स से भी पता करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई कल्प्रिट है तो वो निश्चित तौर पर गलत है और गलती हुई है, उसके विषय में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिखा पढ़ी में ऐसा कुछ हो गया कि उसमें लिख दिया लड़का है या लड़की है, वो भी ठीक नहीं है, उसके विषय में इंक्वायरी कराने के बाद ही कुछ हम कह पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो इस खबर में सामने आई है ये कि इस अस्पताल में बिना पैसे कोई काम नहीं किया जाता है। अगर बच्चा होने का सही तरीके का सगुन अगर नर्सों को मिल गया होता, तो शायद आज इस महिला का लड़का न बदला जाता। संदीप मिश्र, टीटीवी न्यूज़, इटावा।